दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, ये उसका उदाहरण भर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, ये इसका उदाहरण भर है। अमित शाह जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताते हैं, मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊंगा। कई प्रश्न ईवीएम पर उठाते हैं, इसका जवाब ना चुनाव आयोग देता है और ना ही सरकार। बीजेपी के इस आत्मविश्वास से शक पैदा होता है। देश में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैं, आज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह जी बहुत बताते हैं, उसी तरह से मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना चाहता हूँ कि इस देश में 2014 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए, पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है न सरकार देती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अकाउंट अब फ्रीज कर दिए गए, ईडी सीबीआई आईटी रेड करती है, कंपनियां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेती हैं और वे साफ हो जाती हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर रेड डाली गई और बॉन्ड खरीदकर भाजपा को चंदा दिया, चंदा दो और धंधा लो। कई कंपनियों से चंदा लिया गया, 7 फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन पर नकली दवाइयों का इन्वेस्टिगेशन चला था, इन सभी कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया। कोविड में जो नकली दवाइयां बांटी जा रही थी उन कंपनियों से भी चंदा लिया गया। कर्मचारी कोई है नहीं और चंदा सैकड़ों करोड़ में दे दिया, वो भी लिस्टेड है। ये सारे डिटेल्स आज नेट पर अवेलेबल है और ये वो है जिनमें से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद मोदी जी की सरकार ने 19 फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनीज थी इनको उन्होंने हाई रिस्क में डाला था ऑफ वायलेटिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो कथा है वो आपके सामने है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर 3 आता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसको कैसे उसके अकाउंट सीज किए जाएं, फ्रीज किए जाएं, ताकि वो ना तो कैंपेन कर सके, ना कैंडिडेट्स को कुछ पैसा दे सके, ना पैम्फलेट छपा पाए और ना तनख्वाह बांट पाए। ये अजय माकन जी के बयान से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि 285 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में जो थे उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पब्लिसिटी का हम लोगों के पास आते हैं, हमें विज्ञापन दीजिए, कहाँ से देंगे विज्ञापन, हमारे को आप परेशान करेंगे कि आप ऐड दीजिए, अरे हमारा तो अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया, आप विज्ञापन लेना भाजपा के पास जाइए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।